बे ऑफ बंगाल का जो सिस्टम है, जो डिप्रेशन बना था सुबह 5:30 में, वो लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा में मूव हो रहा है। सो नियरली नॉर्दर्ली, उत्तर के दिशा में मूव हो रहा है। अभी जो है ये हमारा जो पोर्ट ब्लेयर जो है उसका जो दक्षिण में ऑलमोस्ट है 100 किलोमीटर, और हमारा जो कार निकोबर है उसका 200 किलोमीटर उत्तर में है, रफली यही है, लेटेस्ट है। और जो सिस्टम का ट्रैक अगर देखेंगे ये है, सो एलोंग एंड ऑफ अंडमान निकोबर ये मूव हो रहा है उत्तर के दिशा में, ठीक है। और ये कल तक जो है और एक इंटेंसिफिकेशन होगा, डीप डिप्रेशन बनेगा सुबह, यही प्रेडिक्शन है। और अभी जो लेटेस्ट अभी हमें मिला है रिपोर्ट, रेनफॉल जो है लॉन्ग आइलैंड में हैवी रेनफॉल हुआ है, 80 मिलीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर। पोर्ट ब्लेयर में 3 सेंटीमीटर हुआ है और बाकी जगह में भी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। लेकिन इसका जो रेन का इंटेंसिटी है रात में बढ़ेगा, क्योंकि इट इज जस्ट नियर टू पोर्ट ब्लेयर विद इन 100 किलोमीटर, है ना, साउथ साउथ ईस्ट। ओके, एंड रेन इंटेंसिटी जो है कल और ज़्यादा बढ़ेगा कल दिन भर, तो इसीलिए होल आइलैंड एरिया एंड ऑल्सो सी एरिया कवरिंग साउथ अंडमान सी, नॉर्थ अंडमान सी एंड दी साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल जो एरिया है, बराबर दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और अंडमान का जो समुद्र है उत्तर और दक्षिण, ये एरिया में सारे जो फिशरमैन है वो मना है आज और कल अप टू 23rd मॉर्निंग, ठीक है, 23rd आफ्टरनून तक भी मना है, क्योंकि धीरे धीरे ये उत्तर जाएगा, उत्तर का दिशा में जाएगा। और काल से जो है हमारा जो पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर जो है और उसके साथ साथ जो अर्जाइनिंग उत्तर पूर्व बंगोपसागर है, म्यांमार कोस्ट, ये एरिया को जाएगा ये 23rd मॉर्निंग तक, ठीक है। तो अभी जो डिप्रेशन है और इंटेंसिफाई होगा डीप डिप्रेशन कल सुबह तक, और कल नाइट तक जो है साइक्लोन बन सकता है। लेकिन हमारा जो इंडियन का जो मेन लैंड है इसका कोई प्रभाव नहीं है,